बिंदी लगाऊंगी मैं सर में पिया तेरे नाम की। तो ऐसे तो मेरे हर दिन की शुरुआत भगवान के नाम के साथ, मेरे महादेव और माता रानी के साथ ही होती है, लेकिन नवरात्रियाँ होती हैं ना तो एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स होती है। हर तरफ माता रानी के नाम की ही जय जयकार चल रही होती है, है ना। सो हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम इन अनदर व्लॉग बी विद बीनो। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि नवरात्रि को लेकर के कोई स्पेशल व्लॉग मेरा नहीं बना। तो भी मॉर्निंग के पूजा पाठ के बाद अच्छे से संडे की शुरुआत की है, और मेहंदी भिगाना शाम को दावट में भूल गई, बट अभी भिगा के रख ली है, तो एक घंटा इसको डिप करते हैं। और इधर पर ब्रेकफास्ट की तैयारी कर दी है। मनु की डिमांड थी छोले भटूरे, और बहुत दो तीन महीने से शायद भटूरे नहीं बनाए, बट मैदा मैं नहीं बनाऊंगी, छोले के साथ हम बनाएंगे बढ़िया सी मेथी वाली पूरी। और बहुत सारे टास्क हैं उनको करते करते। तो संडे ब्यूटीफुल सा सनराइज देखते हुए अपने कामों की शुरुआत करी, और अर्ली मॉर्निंग वॉक पे आज नहीं गए, 6:30 बज चुका है, अभी मैं निकली हूँ ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी करके। तो अभी इस ब्यूटीफुल संडे सनराइजिंग को एंजॉय करते हुए निकल रहे वॉक के लिए। वैसे मॉर्निंग जल्दी निकलना होता, बट आज संडे और मृदुल और पदम पापा के साथ गए हैं हेयर कट के लिए, तो वो चले गए थे स्कूटी पे। थोड़ा सा डिस्टेंस है मार्केट वाला एरिया, लोकल में कुछ शॉप्स जो हैं, तो मैं जा रही हूँ पैदल क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करके आ गई थी, और अभी हम निकल गए हैं निकलवाने से बाहर, तो चलते हैं शॉप तक। और ब्रेकफास्ट की तैयारी कर दी है, तो अभी जस्ट 7 बजने वाला है, तो हम जल्दी इसलिए चले जाते हैं क्योंकि फिर ना दिन भर भीड़ होती है, अर्ली मॉर्निंग करा लो तो फ्री हो जाते हैं। तो मैं जा रही हूँ ये आंवला खाते खाते, क्योंकि लास्ट हेल्थ को लेकर के काफ़ी इश्यूज देखे भी हुए भी, तो आंवला बहुत ही अच्छा इम्यून बूस्टर है, इट्स अ बेटर ऑप्शन, सिंपल डेली आप एक आंवला ले सकते हैं। तो अभी मैंने बहुत सारी हैबिट्स को इम्प्रूव करने की कोशिश की है लाइफ में, इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रहे हैं प्रॉपरली दौड़ भाग में, बट नाउ इट्स रिक्वायर्ड, अब बॉडी बोलती है कि ध्यान दो, तो शुरुआत की है तो उसे लेते हुए चलते आगे। तो ये पहुंच गए इनके पास में, और इनका हेयर कट हो चुका है। तो जोशी जी 6 बजे के पास इन्हें लेकर के स्कूटी में निकल गए थे, मैंने बोला था कि मैं बाकी ब्रेकफास्ट की तैयारी करके पैदल पैदल आऊँगी, तो वॉक भी हो जाएगा और आते समय इनको ले आएंगे, क्योंकि जोशी जी खुद भी हेयर कट करेंगे, तो मैं इनको लेके आ गई। हेलो गाइस, बाल कटाके आ गए हैं। ओ देखो वो जंगल को। आपने हेयर कट कर लिया, दिखाओ अपने बाल, हो गए हेयर कट। तो फ्रेश क्लीन वेदर के साथ अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock हो गया अभी घड़ी में। हाँ मैं आया हूँ साइकिल पे। तो इन सब के हो गए हेयर कट, और जोशी जी भी पहुंच गए, वापस आ गए घर। घर आने के बाद भाई छोले वगैरह बॉईल करके सब मैं गई हुई थी, सब कुछ मसाला रेडी करके इनको छौंक लिया, एक तरफ रख दी कढ़ाई, और बढ़िया से मैं मैदा प्रेफर नहीं करूंगी क्योंकि 2 दिन पहले भी इनके लिए पास्ता बनाया था, तो मैं आटे में ही बढ़िया सी अजवाइन मेथी डाल के बढ़िया सी गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना दूंगी, तो जो भटूरा है वो रिप्लेस हो जाएगा। और इसके बाद फिर नाश्ता पानी निपटाने के बाद मैं मशीन लगी हुई थी, कपड़े डाल दिए, साथ में बच्चों के बैग वॉश करने थे तो बैक साइड पे थोड़ा सा धुलाई, क्योंकि जो छुट्टी का दिन होता है ना उसी दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लीनिंग हम प्लान कर पाते हैं, अदरवाइज मॉर्निंग गए तो 3 ही बज जाता है घर आते हुए, उसके बाद 2 बच्चे हैं काम है, तो एडिशनल इस तरह की क्लीनिंग टारगेट नहीं होती, और आजकल तो इतनी धूल है कितने ही बार आप कर लो, तो मैं इतना भी मतलब बहुत एक्सट्रीम वाला क्लीनिंग मैं नहीं करती कि भाई 10-10 बार आप करते ही रहो, क्योंकि फिर वैसा ही हो जाना, और बच्चों वाले घर में तो बिखर ही जाता है कितनी भी कोशिश करो, बट एक बार वो मैनेज और मेंटेन हो जाना चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर पानी वगैरह डाला था प्लांट्स में, साथ में बैग वगैरह भी मैंने बाहर से ही धोए इनके, तो ये बैकयार्ड हमारा जो एरिया है यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा लॉनिंग एरिया है, और कुछ प्लांट्स हैं, गमले वगैरह रखे हुए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा धुलाई वगैरह कर दी है, क्योंकि अभी दादी ने ना यहाँ पर थोड़ा सा गेहूँ वगैरह भी धुलवाए थे, तो ये सारा काम निपट गया। तो ये सारे काम छुट्टी के हिसाब से मैं प्री प्लान करके रखती हूँ कि छुट्टी के दिन होने हैं, तो ये पीछे छोटे छोटे से गमले रखे हुए हैं, तो फ्रंट गेट सामने है, ये बैकयार्ड का गेट है कि चीज़ें गाड़ियाँ और कुछ भी अंदर सामान लाना आना हो तो बैक साइड से इसको ओपन रखा हुआ था, और यहाँ पर छोटे छोटे से कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं जो कि बेसिकली दादा का शौक है काफ़ी ज़्यादा, तो हम लोग उनके साथ हेल्प में रहते हैं। और ये देखिए एंट्रेंस पे ही गेट के ये अनार का पेड़ है, ये दादा ने ही लगाया था, और इस पे ना छोटे छोटे से अनार लगते हैं, और देखिए पूरा फूलों से ये समय भरा हुआ है, और दादी यहाँ पर कर रही है प्याज के पत्तों की सफाई,
की दिन में इसकी हम बनाएंगे टपकिया। हमारे वहाँ हरी सब्जी जो बनती है चावल के साथ में, उसको बोलते हैं टपकिया। तो दादी साफ कर रही है प्याज के पत्ते साथ में आराम से बैठ करके। तो लहसुन और पत्ते छिलवाना, इस तरह का जो काम होता है बैठे बैठे, वो दादी मेरी मदद कर देती हैं यहाँ पर, इसको दादी कर लेती हैं। बसंत ऋतु रहती है, देखो कितने प्यारे प्यारे से फूल खिले हैं। आप प्लांट्स को पानी दे रहे हो, ये देखो ये क्या खा रहे हो आप, पान का पत्ता। आपको पता है पान का पत्ता है? तो ये यहाँ पर लगी हुई है हमारी पान की बेल, तो ये है पान के पत्ते, इसी को प्रथम खा रहा है, इसको पता है पान का पत्ता है। ये है पान का पत्ता। तो नवरात्रियों पे भी ना मैं यहीं से लेके माता रानी को डेली पान के पत्ते का भोग लगाती हूँ, तो ये घर पे लगी हुई है पान के पत्ते की पूरी बेल, तो हम इसे खा सकते हैं। और खाली पेट पान का पत्ता खाने के बहुत फायदे हैं, आप गूगल करके चेक करिएगा। तो यह छोटा सा लोनिंग एरिया, संडे है तो थोड़ा ओने कोने की साफ सफाई देख लेते हैं। हेलो, ये संडे स्पेशल टास्क चल रहा है, ये टैंकी के अंदर घुसे हैं, आपको दिखाते हैं। 3-4 महीने बाद टैंकी क्लीन करते रहते हैं, सोलर पैनल भी हो गए क्लीन, और ये देखो इसके अंदर ये ये देख सकते हैं आप, यहाँ कौन है ये। तो ये मुमटी पे ऊपर छत के टैंकी रखी हुई है दो, और मन्नू ने इसको बना लिया स्विमिंग पूल, हो गया पूरा क्लीन। तो एक टैंक पे है मृदुल, इसको पूरा ब्रश से नीचे सारी काई सी बन जाती है, पूरा क्लीन कर दिया है। और दूसरे वाले में है हाँ जोशी जी, जल्दी जल्दी कर लेना, अब टैंक वो पानी भी चला, लाइट चली गई तो फिर पानी नहीं आएगा अंदर। एक बाल्टी जी इस लेवल से नीचे पानी नहीं जा पाएगा, तो बाल्टी से बनाना पड़ेगा, एक बाल्टी दे दे तो। इट्स हेयर केयर टाइम, हेयर तो क्या ही होती है, हेयर ग्रे हो गए हैं तो इनको मेहंदी से कवर कर रहे हैं। मेहंदी लगाऊंगी मैं सर में पिया तेरे नाम की, पूरा बढ़ गया। आपने देखा है कि कोई इसके सर पे पिया के नाम की मेहंदी लगाए? नहीं। तो बस कुछ इसी तरह से प्लान रहता है मेरा ऑफ डे या फिर संडे वाला डे, जिसमें कुछ छोटे छोटे टास्क मैं सामने ऑलरेडी डे वन बिफोर प्लान करके रख लेती हूँ। और यहाँ पर खुद को मेहंदी लगा ली, दादी को यानी मेरी सासू माँ को लगा दी, और साथ में जोशी जी के लगा ली, तो डोंगा भर के बना ली थी। ये छोटी सी शेयरिंग थी आप सबके साथ में और मेरा प्रोडक्टिव संडे मॉर्निंग रूटीन। तो हैप्पी नवरात्रि आप सबको एक बार ढेरों सी, और स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं दोबारा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड Bye-bye.